एमपी और यूपी को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात। केन बेतवा लिंक परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। 44,605 करोड़ रुपए की है परियोजना। सीडीएस विपिन रावत के निधन पर सीएम बघेल ने जताया शोक। दुर्घटना में रावत की मौत को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा देश के लिए अपूर्णीय क्षति। थाटबाट से निकली रामराजा सरकार की बारात। सशक्त जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। 450 सालों से चली आ रही परंपरा। रतलाम में फायरिंग और तलवारबाजी में दो युवक घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। और इस सरगुजा में अधिकारियों की मिली भगत से 3 करोड़ का गबन। अभियंता और 2 कार्यालय सहायक निलंबित। सहायक निलंबित विद्युत वितरण कंपनी का है मामला। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने केन बेतवा परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है, जिससे 90 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा। साथ ही 7,000 परिवार विस्थापित होंगे। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यूपी और एमपी की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। पूर्व सीएम उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पर्यावरण, जलभराव और विस्थापन का मुद्दा एमपी में सरकार के पास था। वहीं सेनाध्यक्ष विपिन रावत को लेकर उमा भारती ने कहा कि विपिन रावत से व्यक्तिगत संबंध है। सर, आज केंद्र सरकार ने केन बेतवा लिंक योजना को मंजूरी दे दी है, कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है मध्य प्रदेश को? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए कोटि से धन्यवाद देता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस केन बेतवा लिंक परियोजना, जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बड़ा सपना था, उस सपने को पूरा करके बुंदेलखंड के जीवन की दिशा बदल दी है। क्योंकि इस केन बेतवा लिंक परियोजना जो आज कैबिनेट के अंदर 44,605 करोड़ रुपए की परियोजना को जो मंजूरी दी है, इसके कारण से पूरे इस परियोजना में 10.62 लाख हेक्टेयर सिंचाई, जो मध्य प्रदेश के अंदर 8.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई इसके माध्यम से होगी, और कई लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा इस परियोजना के माध्यम से मिलेगी। जो बुंदेलखंड सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, वो बुंदेलखंड अब हरा भरा बुंदेलखंड होगा। और मैं तो ऐसा कहता हूं, केवल हरा भरा नहीं होगा, समृद्ध बुंदेलखंड इस परियोजना से बनेगा। सारे बुंदेलखंड वासियों की ओर से, मेरी खजुराहो लोकसभा के संपूर्ण जनता की ओर से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई देता हूं। और उत्तर प्रदेश का भी बड़ा लाभ इस परियोजना के माध्यम से होने वाला है। अपनी इच्छा पूरी करी, हमारा सपना पूरा किया। प्रधानमंत्री जी ने पूरा भरोसा करके मुझे नदी जोड़ो योजना दी थी, और यह हमारा सौभाग्य था कि केन बेतवा लिंक परियोजना फ्रंट पे थी पहले से ही, क्योंकि उसकी शुरुआत सब भारत सरकार ने जब नदी जोड़ो योजना की समिति बनाई थी, तो जो पहली योजना जिस पे विचार शुरू हुआ था वो केन बेतवा थी। तब मैं इधर थी और उधर मुलायम सिंह जी थे उत्तर प्रदेश में 2004 में। फिर 2004 के बाद अटल जी की सरकार जब चली गई तो 10 साल इस योजना को बिल्कुल चर्चा ही बंद हो गई, पूरी नदी जोड़ो योजना की। 14 से फिर शुरू हुई, जल संसाधन मंत्रालय मेरे ही पास था। 17 आते आते इसकी मंजूरी की स्थिति आ गई, और मुझे प्रधानमंत्री जी की तड़प आज तक याद है कि वो मुझे बोले कि उमा, मैं बुंदेलखंड में सबसे पहले केन बेतवा परियोजना को शुरू करने के लिए जाना चाहता हूँ। जब रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश का, उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने इतना साथ दिया है, और ख़ास करके बुंदेलखंड की तो सारी सीटें बीजेपी के झोली में गई थी, विधानसभा की सीटें। इससे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भाव विभोर थे, और उन्होंने कैबिनेट में ही कहा कि केन बेतवा परियोजना ही पहली चीज होगी जो कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तब मैं और उत्साह से लग गई, और अंत में 17 का अंत आते आते योजना लगभग मंजूरी की स्थिति में आ गई थी। उसके बाद मेरा मंत्रालय बदल गया, लेकिन मुझे नितिन जी ने इससे अलग नहीं किया, और गंगा और केन बेतवा परियोजना की बैठक में वो आमंत्रित के तौर पर मुझे बुला लेते थे अपने साथ। फिर उसके बाद गजेंद्र सिंह जी भी मुझसे हमेशा फ़ोन पे बात करते रहे,
केन बेतवा परियोजना को लेकर के, और पीएमओ के भी कुछ वरिष्ठ अधिकारी, उन्हीं के कहने पे अगर आपको याद हो तो मैं कमलनाथ जी को मिलने गई थी। मैं अपने मन से नहीं गई थी केन बेतवा परियोजना को लेकर, मुझे कहा गया था कि आप मिल के आइयो केन बेतवा पर, वो जो कहें वो हमें बताइए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने बालाघाट के लिए रवाना हुए। इससे पहले मीडिया से रूबरू होते हुए सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक जताया। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए देश के लिए यह अपूर्णीय क्षति बताई है। सीएम बघेल ने स्वर्गीय विपिन रावत के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर निकाय चुनाव में भाजपा की प्रदेश प्रभारी के कमान संभालने पर कहा कि उनके लिए निकाय चुनाव जरूरी है। एक पारिवारिक कार्यक्रम है जहां बालाघाट में जा रहा हूं, अभी सीडीएस रावत जी का जो निधन है उसके साथ, और जो सैन्य के अधिकारी और जवान जो शहीद हुए हैं वो बेहद ही दुर्भाग्यजनक और देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इस अवसर पर पूरा राष्ट्र शोक संतप्त है। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। साथ ही जो ग्रुप कैप्टन सिंह साहब जो घायल हैं और उसके स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव के ठीक रही कमान संभाल रही है, कोई भी चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन अब इससे स्पष्ट हो जाता है पुरेंद्रेश्वरी जी जिस प्रकार से आज कमान संभाली है उनको स्थानीय नेतृत्व को विश्वास नहीं है। देश के रक्षा प्रमुख विपिन रावत और उनकी पत्नी का कल तमिलनाडु के कन्नूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस घटना की खबर मिलते ही समूचे देश और प्रदेश में शोक की लहर है। रक्षा प्रमुख विपिन रावत के निधन पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने गहरा दुख प्रकट करते हुए कहा कि रक्षा प्रमुख विपिन रावत का मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। उनकी पत्नी मधुलिका सिंह शहडोल की रहने वाली थी। मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सभी लोगों के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा क्षति है। जहां तक बिपिन रावत जी के सवाल है, बिपिन रावत जी का विवाह हमारे सुहागपुर के पूर्व विधायक और यहाँ के इलाकेदार परम आदरणीय स्वर्गीय मृगेन्द्र सिंह के यहाँ हुआ था। मृगेन्द्र सिंह की बच्ची अनालिम का के साथ उनका विवाह हुआ था। मुझे इन लोगों के साथ जब हमारे आदरणीय दलवीर सिंह जी मंत्री थे तो आदरणीय कुंवर साहब दिल्ली जाते थे टिकट के लिए, तो उनके साथ उनके दामाद आदरणीय रावत जी और उनकी बच्ची के साथ आदरणीय दलवीर सिंह जी के यहाँ खाना खाने का अवसर भी मिला। हम लोग साथ में खाना खाए। ये बहुत ही होनहार व्यक्ति थे और उसकी क्षति के कारण मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश शासन की ओर से उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस दुख के घड़ी में उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। ये कोई मेरे व्यक्तिगत ये क्षति में मानता हूं, क्योंकि उनके साथ कई बार दिल्ली में मुझे मिलने का अवसर मिला, खाना खाने का भी अवसर मिला, इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। मैं इसके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता। रतलाम के थाना स्टेशन रोड के अंतर्गत गुजराती चाल में सट्टेबाजी और जुआखोरी को लेकर चल रही रंजिश में द्वारा
दरअसल यहां समय को लेकर दो ग्रुपों के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी के चलते एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना में गुजराती चौल निवासी 35 वर्षीय सुनील शेट्टी, पिता नितिन गायकवाड़ और जिसे दाहिने कंधे में गोली लगी के छर्रे लगे हैं तथा तलवार से सिर में चोट लगने वाले शास्त्री नगर निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र, पिता प्रदीप परिहार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये दो लोग घायल हैं, एक को जो है छर्रे लगे हुए हैं और एक के जो है सर में चोट लगी है, बेहोश है। नाम बताया कोई बिल्लू और हिमांशु, ये वो जैसवाल दो नाम में भी बता रहे हैं आप, और समय आने पर इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। आरोपी तो अभी वो दो बता रहे हैं, एक अन्य बता रहे हैं। एक पीड़ित ने गोली चली है, एक गोली कट्टे चली है कि रिवाल्वर काय से चली है। तमिलनाडु के कुन्नूर में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के जवान जितेंद्र कुमार वर्मा का भी निधन हो गया। नायक जितेंद्र कुमार की पार्थिव देह शुक्रवार को उनके पैतृक गांव अमलहा पहुंचाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार होगा। हादसे की खबर लगते ही कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर और पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी सहित पुलिस और प्रशासन की टीम उनके घर पहुंची और परिवार को सांत्वना दी। वहीं निधन की खबर सुनकर पूरा गाँव गमगीन हो गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के सीतापुर उप संभाग में अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से 3 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। इसकी जानकारी राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने सीतापुर संभाग के ऑडिट कराने पर मालूम हुआ, जिसे लेकर विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया। इस मामले में विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक सहायक अभियंता और दो कार्यालय सहायक को निलंबित कर दिया है। वहीं जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने टीम गठित कर मामले की जांच की है। सीतापुर में जो आंतरिक ऑडिट में कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसकी जांच के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया है, वो जाँच जारी है। और वहाँ पर जो है कुछ जो है बिलों में जो है जो यानी बैंक में उनको रेमिट करना था CRA के थ्रू, वो पैसा बैंक में रेमिट नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी जो है प्रथम दृष्टिया पाई गई है और उसमें जो है वो जांच चालू है। कितने का है सर और किस तरह की प्रक्रिया होती है, कैसे जमा होता है? जी तो ये जो प्रथम दृष्टिया अभी पता चला है, जो वैसे तो जांच जारी है, 3 करोड़ के आसपास है सीतापुर, पेटला और मैनपाट 3 वितरण केंद्र में सीतापुर उप संभाग के अंतर्गत। तो इसमें जो है जो अभी जो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अनुसार जो है इनको जो पैसा जो है उपभोक्ता का पैसा जो कर्मचारी प्राप्त करते थे उसको जो है एक जो CAC CRA बना के बैंक को रेमिट करना रहता है, जैसे आज का जो कलेक्शन प्राप्त हुआ, लेकिन वो बैंक को रेमिट नहीं किया गया। तो इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं और जिसका कि जो है जो करीब 3 करोड़ के आसपास का जैसे बताया गया है अमाउंट है और इस पे जो है कार्रवाई चालू है। सर किसको किसको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, क्या कार्रवाई की? जी प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर वहाँ के जो उपसंभाग के सहायक यंत्री और एक ओ ग्रेड हैं जो बाबू स्टाफ हैं, दो लोग, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक जो है जो संविदा वाले है उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई के लिए जारी किया गया है। तो सर क्या सिर्फ सस्पेंशन मात्र कार्रवाई होगी? जी नहीं नहीं नहीं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी की जाएगी और पुलिस में भी FIR के लिए जो है पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सर तो ये सिर्फ क्या सीतापुर सब स्टेशन में गड़बड़ी है या फिर अब इसको देखते हुए सभी डिपार्टमेंट जो सब स्टेशन? जी जी सभी वितरण केंद्रों में जो है निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि इस तरह की जो है यदि पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और जांच करने के लिए सब जगह जो है कहा गया है सभी वितरण केंद्रों के लिए। क्या लगता है सर जो जिम्मेदार अफसर बैठे हैं उनकी नाक के नीचे ये पूरी गड़बड़ी हो जा रही है, उनको तो पता भी नहीं चल पा रहा है?
जी, तो उसके लिए जो है वो कार्रवाई की जा रही है और सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि वो जो इस तरह की जो है पुनरावृत्ति ना हो और सब जगह के इंटरनल ऑडिट के द्वारा ये पता किया जाए कि जो है प्रॉपर जो है पैसा अकाउंट फॉर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डबरा के अमरपुरा खेड़ी में भीतरवार में कंजरों के डेरा मियापुर पर पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें 650 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 10,000 किलो गुड़ लहान जब्त किया है, जिसकी कीमत करीब 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में 4 केस दर्ज हुए हैं। आबकारी निरीक्षक आमीन खान ने कहा कि अवैध मदिरा पर रोक लगाने के लिए लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी। ये कार्रवाई चकमियापुर भीतरवार वृत्त के कंजरों के डेरे पर की गई और इसमें 650 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई है और 10,000 केजी गुड़ लहान जब्त किया गया है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत जो है 6,30,000 के करीब आकी गई है। डबरा में श्री कृष्णा वेयर हाउस के संचालक द्वारा खुलेआम किसानों को लूटा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि ग्राम धरसोंधी में कृषि साख सहकारी संस्था द्वारा किसानों से 1 क्विंटल धान पर 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा है। अतिरिक्त अनाज न देने पर किसानों के अनाज को वेयर हाउस में जमा नहीं होने दिया जा रहा, जिसकी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों का दल जाँच करने पहुँचा और कार्रवाई करने की बात कही। चलिए और अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। भोपाल के लहारपुर इकोलॉजिकल पार्क कटारा हिल्स में लोगों को हाथ से क्रिया करने पर रोक लगा दी गई है। दरअसल सुबह सैर पर जाने वाले बुजुर्ग महिलाएं और युवा योग और एक्सरसाइज के साथ हाथ से क्रिया करते थे, उनके हंसने पर पिछले 7 दिनों से वन विभाग ने रोक लगा दी है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखकर रोक लगाई गई है। यहाँ पहुंचने वाले लोगों का कहना है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में रोजाना शादी हो रही है, अन्य आयोजन हो रहे हैं, पर उस पर कोई रोक नहीं है। वन विभाग का यह फरमान बहुत ही गलत बताया जा रहा है। उमरिया जिले के करकेली ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से ग्रामीण आबादी का सर्वे किया जा रहा है, जिसमें करीब 250 गांव के ग्रामीणों के निवास स्थानों पर जमीनों का स्वामित्व दिया जाएगा, जहां ग्रामीण पट्टे का उपयोग किसी भी कार्य के लिए कर सकेंगे। इस योजना से जिले के करीब 20,000 परिवारों को लाभ मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत आबादी सर्वे का कार्य किया जाना है और सर्वे के बाद जो पात्र लोग हैं उनको अधिकार अभिलेख प्रदान किया जाना है। तो उस स्वामित्व योजना के अंतर्गत ही हर गांव में आबादी सर्वे का कार्य चल रहा है और करकेली में ऐसे 30 से 35 गांव हमने प्रस्तावित किए हैं आबादी के, और इन्हीं ग्रामों में क्रमवार से ये ड्रोन फ्लाई किया जा रहा है सर्वे के लिए। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर की पूरी तैयारियों के लिए प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और उनसे संबंधित अस्पतालों की समीक्षा की गई है। सभी मेडिकल कॉलेज के डीन और सुपरिटेंडेंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ कोरोना के आगे के इलाज की समीक्षा की गई है। हमारा प्रयास है कि तीसरी लहर न आए, लेकिन तैयारियां पूरी कर ली जाए। कोरोना की तीसरी लहर के लिए सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए 335 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है।
और ये प्रसन्नता की बात है कि सेकेंड डोज में अब मध्य प्रदेश में हमने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को सेकेंड डोज भी लगा दिया है। टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 25 लाख लोगों को हमने टोटल वैक्सीनेट किया है, जिसमें से 4 करोड़ फर्स्ट डोज है और लगभग 5.25 करोड़ फर्स्ट डोज, 5.25 करोड़ और सेकेंड डोज 4 करोड़। हम सबकी कोशिश है कि थर्ड वेव ना आए, परंतु हम पूरी तरह तैयारी में लगे। आज हमने मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज के सभी डीन के साथ 4 घंटे बैठकर ये सुनिश्चित किया है कि हम हमारे 13 मेडिकल कॉलेज में अभी तक जो हमारे कोविड के 6,765 बिस्तर है उसमें 1,535 बिस्तरों का इजाफा कर मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेज में कोविड के लिए हम 8,300 बिस्तरों की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें सभी 8,300 बिस्तर में हम ऑक्सीजन की लाइन हम डाल चुके हैं और उसके लिए सभी इक्विपमेंट, दवाइयां, सभी तरह के कंज्यूमेबल, ऑक्सीजन जनरेशन और एचआर, इन सब को लेकर हमने आज 335 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। हमने ये निश्चित किया है कि कोविड के समय जो भी परचेज होगा वो हमने डिसेंट्रलाइज कर लिया, वो मेडिकल कॉलेज लेवल पर ही होगा। और जो 335 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति दी है उसमें इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के अंतर्गत 215.65 करोड़ रुपए, डिजास्टर रिलीफ फंड के अंतर्गत 63.35 करोड़ रुपए, दवाइयों के लिए 36 करोड़ रुपए और कंज्यूमेबल के लिए 20 करोड़ रुपए हमने आज सैंक्शन किए हैं। और ये सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। हम अब सभी मेडिकल कॉलेज में लगभग 8,300 बिस्तर हमने कोविड के लिए डेडिकेट किए हैं और ये सभी अलग अलग मेडिकल कॉलेज की जो डिमांड है उस हिसाब से मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं। हम अब सभी मेडिकल कॉलेज में लगभग 8,300 बिस्तर हमने कोविड के लिए डेडिकेट कर दिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली धार्मिक एवं पर्यटन नगरी ओरछा में विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर पिछले करीब 450 वर्षों से चली आ रही भगवान श्री राम के सीता से विवाह की अद्भुत परंपरा का निर्वहन विधि विधान से किया गया। प्रतिवर्ष की भांति प्रसिद्ध श्री राम राजा सरकार मंदिर में श्री राम की बारात जनकपुरी के लिए निकाली गई। निवाड़ी जिले के ओरछा का राम राजा मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहां स्थापित मूर्ति के बारे में प्रचलित मान्यता के अनुसार ओरछा की महारानी गणेश कुंवर पुष्प नक्षत्र में इस मूर्ति को अयोध्या से नंगे पैर पैदल चलकर ओरछा लाई थी। श्री राम की प्रतिमा ओरछा लाए जाने के बाद बुंदेलखंड में इन्हें ओरछा के राजा के रूप में मान्यता दी गई और संभवतः ओरछा के राम राजा इस मायने में भी अद्वितीय हैं कि इन्हें प्रतिदिन पुलिस के जवानों द्वारा बकायदा आज भी दिन के चारों पहर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। हमारे राम राजा सरकार का 4 दिवसीय कार्यक्रम होता है। पहले दिन जो है गणेश पूजन होगा, गणेश जी को मनाया ताकि इस कार्यक्रम में कोई विघ्न बाधा ना हो, तो गणेश पूजन और तेल की रस्म की गई है। दूसरे दिन 7 तारीख को मंडप पूजन किया है, तो हमारे माननीय कलेक्टर साहब महोदय ने, जो निवाड़ी कलेक्टर हैं, उन्होंने पूजन किया बड़े विधि विधान के साथ। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्र 33 करोड़ देवताओं को बुलाया है और सभी से प्रार्थना की इस राम राज्य में और राम राजा के विवाह में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, निर्विघ्न कार्य सम्पन्न हो। बुंदेलखंड के ओरछा नगरी में विवाह पंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से राम महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भगवान श्री राम की बारात नगर में निकाली गई। इससे पहले जब भगवान राम मंदिर से दूल्हे के रूप में पालकी में विराजमान होकर बाहर आए, जिसके बाद सशस्त्र जवानों द्वारा उन्हें सलामी दी गई। बारात के सबसे आगे रघुकुल का प्रतीक चिन्ह, उसके बाद मशालची, चांदी की छड़ी लिए दरबान,
भगवान को चावल हिलाते हुए सेवक थे। बारात का नगर वासियों द्वारा हर घर पर रोक कर उनकी आरती उतारने के साथ ही बारातियों का स्वागत किया गया। पिछले करीब 450 सालों से निरंतर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में चार दिवसीय विवाह उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसके लिए प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां भी की जाती है। जो बारात का प्रोसेशन है वो आज हम लोगों ने निकाला है। प्रथम तिलक के रूप में जैसा आपको बताया कलेक्टर के रूप में हमने पूजन किया, साथ में माननीय प्रभारी मंत्री जी और सभी गणमान्य नागरिकों ने, माननीय विधायक जी ने इसका पूजन किया है। उसके बाद अब राम राजा सरकार की जो प्रोसेशन है, बारात है, वो पूरे नगर में आम दर्शनार्थियों के लिए, हर जन जन को दर्शन देने के लिए वो निकले हैं। और इस तरह से आज ये बारात की रस्म पूरी हुई है। इसके बाद जानकी मंदिर पे उनका जो भी संस्कार होगा वो थोड़ी देर बाद जब जानकी मंदिर पहुँचेंगे तो जानकी जू के मंदिर पे संस्कार होगा। उसके बाद में फिर भगवान वापस यहीं राजा राम सरकार वापस मंदिर में पधारेंगे। आज यहाँ राजा राम जी का विवाह है और राजा के रूप में राम जी शायद मुझे जहाँ तक जानकारी भारत में और दुनिया में राजा के रूप में यहाँ पर ही पूजे जाते हैं, यहाँ पर ही स्थापित है। हमारे लिए गौरव की बात कि हमारे ओरछा शहर में हिंदुस्तान तो क्या दुनिया का एक ऐसा इतिहास लिखा हुआ है, बना हुआ है कि राजा राम जो है वहाँ राजा के रूप में यहाँ पर स्थापित है। आज विवाह 25 दिन का वैवाहिक कार्यक्रम माँ जानकी के साथ संपन्न हुआ। हम सभी लोग, हमारे विधायक जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, सभी लोग इसमें शामिल हुए हैं और अभूतपूर्व दृश्य। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।